कैसे हो भाई? ओह माय गॉड, लौंडे 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 लौंडे, ऐसा लग रहा किसी ने कंपास से लौंडे खींच दिए मेरे आगे. नोएडा में तो पहली रो में 1500 लौंडे बैठे हो ना, अगर ये घूर रहे होते हैं आपको शो में. इनमें से कुछ ये वाला ग्रुप है जो गंदी नजरों से देख रहा है. मेरा नाम हर्ष गुजराल है और मैं अपने शहर के बारे में बताता हूँ. मैं कानपुर से हूँ और हम लोग गलत चीज़ों के लिए फेमस है. मतलब हम बकचोदी के लिए फेमस हैं. हाँ, कानपुर के, मतलब मेरे से भी बचपन में पहली बार पापा ने जब पूछा ना था, बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा बकचो. कह रहे घर कैसे चलेगा, मैंने उसी से चलाएंगे. अब दो वीडियो निकली ना मेरी, मेरे पिताजी ने देखी, मेरे को मिले, मैंने कहा और कैसे हो, कह रहे बकचोदी अच्छी कर लेते हो. हम आपस में ही जलील कर रहे हैं एक दूसरे को घर में यार. और ये तो छोटे गुजराल साहब है, बड़े गुजराल साहब से मिलो मेरे पास. ओहो, अलग ही लेवल पे खेल रहा भाई. उनको पता ही नहीं था ये क्या कर रहा हूँ मैं. मेरे से कहते हैं ये क्या करता रहता तो जाके. मैंने कहा जिस दिन वीडियो वायरल हो जाएगी ना पापा, देखना यूके यूएस एम्स्टरडेम ऐसी जगह परफॉर्म करूंगा. आज सुबह फोन आया, मैंने कहा नोएडा में शो है मेरा. एकदम ही जलील कर दिया, कह रहे वीजा लग गया. हम आपस में ही परिवार एक दूसरे को, हम लोग खुश हैं जलील करके आपस में. और ये तो हमारे घर के, ऐसा नहीं कि मर्द बकायत है, हमारे घर की औरतें अलग खेल रही भाई. माता जी हमारी, ओहो क्या फनी औरत है भाई वो, मैं क्या क्या खेल रही हूँ. मतलब हम लोग एक दिन रेड लाइट पे, पापा मैं और मम्मी तीनों गाड़ी में, बढ़िया ड्राइव चल रही है, रेड लाइट पे गाड़ी लुकी, एक भिखारी आ गया. माता जी बहन जी 10 रुपये दे दो, आप दोनों की जोड़ी सलामत रही. उससे कह रही अलग होने का रेट बताओ. इस आदमी से बहुत परेशान हूँ, कैश पेमेंट होगी, अलग होने का बता. हम लोग गलत चीजों के लिए फेमस है. हमारा इकलौता ऐसा शहर है जो गुटके के लिए फेमस है. और आप लोग को लग रहा होगा सब खाते, मैं नहीं खाता भाई. दिल्ली वाले जज करते कि हर्ष गुजराल गुटका खाता होगा, ऐसा नहीं होता. नहीं नहीं खाता भाई मैं, नहीं मुझे उसका स्वाद पसंद नहीं है. मैं मानिक चंद खाता हूँ, मुझे वो ठीक लगता है. और गुटका हमारी फैमिली में कोई नहीं खाता, मम्मी और छोटी बहन को छोड़ के. हाँ मम्मी तो शौकिया खा रही है, और छोटी बहन अभी गोद में तो दूध में डाल के देते सेरेलैक की जगह. अंकल आप विश्वास करो, हम सेरेलैक में, हमारे वहां का पौष्टिक आहार है गुटका. हमारे वहां के बड़े बड़े डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि खाओ. हाँ हमारी एक भाभी थी, वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर साहब बच्चा मुझे गोरा चाहिए. तो डॉक्टर ने कहा कोई नहीं हो जाएगा, टेंशन की क्या बात है, आप केसर खाओ. भाभी घर आई, भाभी ने टीवी पे ऐड देखा, अजय देवगन का ऐड था, विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर. उसके बाद जो भाभी ने लग के खाया भाई साहब, किसी को नहीं बता रही, रात को गर्म दूध के साथ 2 पुड़िया खींच जा रही है. घर में पिज्जा आ रहा है, बाकी लोग चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, भाभी पुड़िया ऐसे. अभी लड़का हुआ है उनका, 6 महीने बाद देखो गोरा काला तो सब भगवान के ऊपर होता है. ऐसा चितकबरा लौंडा पैदा, कोई नहीं उठा रहा उसको. डॉक्टर और नर्स भी क्लिप से लेके आए उठा के से, कि ये किस पे चला गए, उनकी सास डांट रही कि बाहुरानी किस पे चले गए, इसको देखो ही किस पे चला गया. हमारे घर पे तो कोई ऐसा नहीं. भाभी रोड़ी कह रही है अजय देवगन में चला गया, मुझे लगा वही उठाएगा इसको आके. आप लोग को विश्वास करना पड़ेगा कि कानपुर एक, हम लोग बहुत खाते हैं यार, विच इज नॉट राइट. और हम लोग खाते हैं और सड़कों पे थूकते हैं, अपने देश की सड़कें गंदी कर रहे हैं वहां पे, विच इज वेरी बैड. आप लोग मानते हो ये बात? ऑफ कोर्स. और हम लोग इतना थूकते कि कानपुर में एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था, वो कानपुर का गूगल मैप जो खाली सड़कों में भी लाल दिखाता रहता है. इंसानियत से विश्वास तो मेरा उस दिन उठा जिस दिन मैं कानपुर में गाड़ी चला रहा था, वो गूगल मैप वाली औरत होती है ना, वो बोल पड़ी प्लीज टेक अ यू टर्न. इसको कौन दे रहा अंदर बिठा के? बाद में पता लगा ये और सिरी बहने हैं अंदर, ये चाची ताई की लड़कियां दोनों खा रही हैं. हाँ क्योंकि जब पहली बार आईफोन खरीदा हर्ष गुजराल ने वहां पे कानपुर में, बड़े खुश हैं. और इंजीनियर लौंडे जो होते हैं उनकी आदत होती है सिरी से मजे लेते हैं. हमारा काम है, जब पहली बार आईफोन खरीदा मैंने बोला सिरी को, मैंने कहा सिरी आई वॉन्ट टू फक यू. कह रही अभी 1 घंटा मारेंगे ना, ये फक वक वाली सारी रंगबाजी निकल जाएगी. कौन खिला रहा है इनको वहां पे यार, हम लोग बड़े परेशान है वहां पे. कानपुर एक इकलौता शहर है जहां किस करने का तरीका अलग है. भाई साहब आपको किस कैसे करते हो यहाँ पे? नहीं नहीं बैठे रहो, खड़े क्यों हो रहे? नोएडा के लोंडे आ रही है करके बताएंगे. ऐसे नहीं,
कानपुर एक इकलौता शहर है जहां हम लोग किस करना हो तो कभी यूं पढ़ते हैं। वो लड़की पीछे हो जाती दस कदम की, भाई साहब किस विश होती रहेगी, भैया पहले कुल्ला कर ली जाए। हम वो एड देखा आप लोगों ने जिसमें शम्मी कपूर कहता था कि हम चाहते हैं बरातियों का स्वागत पान पराग से किया जाए, है आप लोगों ने देखा था अंकल, आपने देखा था, आपके टाइम का एड था वो, याद है? हाँ वो बराती बहन जो कानपुर गई थी। हाँ क्योंकि दिल्ली की शादियों में थोड़ी होता है कि जीजा जी गेट पे आ रहे हैं तो सालिया पुड़िया फाड़ लेती है कि आज तो जीजा जी को पान पराग पान मसाला चैनी खैनी, छोटी वाली साली निकल गई जीजू कैंसर है, इधर सास खा रही है, ससुर खा रहा है, साला खा रहा है, उधर घोड़ी खा रही है। साले ने नाश्ते नाश्ते बोला माँ गलती हो गई, क्या हो गया बेटा, माँ हम टीका लाना भूल गए, माँ ने मुंह से टीका निकाल के लगा दिया कि बेटा मैं लेके चलती हूँ, बताओ किसका स्वागत कराना है, इन बरातियों का, बरातियों की फटकी, हम नहीं करा रहे स्वागत इस औरत से, हम कुछ नहीं कराएंगे, हम वो वाले टीके लगवा लेंगे, ये वाले टीके नहीं लगवाने वाले। हम लोग दीवारों पे थूकते हैं वहां पे, अपनी दीवारें कौन गंदी करता है यार, अपने घर अपनी सड़कों पे दीवारों पे। और हमारे यहाँ पे कानपुर में कभी कभी अंग्रेज आते हैं, उनको पता नहीं है कि वो क्या है, वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं ओ माय गॉड हर्ष व्हाट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल हु मेड इट, तीन चार लौंडे निकल आते हम लोग बहुत ही गलत चीजों के लिए फेमस है। हम लोग ना क्राइम सिटी है यूपी की, कानपुर इज द क्राइम सिटी ऑफ यूपी। लोग गुस्से में बहुत ज्यादा वहां पे, लाइक क्राइम बहुत ज्यादा है। मेरा एक दोस्त है उसका नाम, एक्चुअली यहाँ पे दिल्ली में देखोगे ना नाम बड़े फैंसी फैंसी है, मेरा एक दोस्त है, है? उसके बाप ने उसका नाम दीमक रखा हुआ है। मैंने कहा अंकल ये कैसा नाम हुआ, कह रहे बेटा आपको नहीं पता जब से पैदा हुआ है खा रहा है हमको। और वो इतना गुस्से वाला है, मेरा दोस्त इतना गुस्से वाला है कि दो लोग लड़ रहे होते हैं ना, एक को जानता है, जिसको नहीं जानता उसको बिना सोचे मारने लगता है, क्योंकि ये वाला दोस्त है उसका, विच इज वेरी वियर्ड। मैंने एक्सपीरियंस करी ये चीज, मेरे घर के बाहर एक आदमी से मेरी बहस हो रही थी और ये आया मुझे कह रहा है अरे हर्ष तुझे तो मैं जानता हूँ, इसे नहीं जानता, चोर 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 चोर। और मैं रोक भी रहा हूँ कि रुक जा तेरा दिमाग खराब है पागल हो गया क्या है, कह रहा नहीं तू मेरा दोस्त है, मैंने कहा वो मेरा बाप है पागल, बाप बेटे में बहस नहीं हो सकती। कह रहा वो तो ठीक है लेकिन तूने मुझे 20 सेकंड बाद क्यों रोकना शुरू किया। कभी कभी तो मौका आता है इस चीज का, बहुत ही अजीब है। हम लोग गुटके के अलावा हम लोग वी आर फेमस फॉर लेदर आल्सो। लेदर पता है आपको, लेदर प्रोडक्ट्स, हमें नहीं पता था कि हम लेदर के लिए अच्छी चीज के लिए भी फेमस है। हमें पता लगा जब हमने अपनी बहन की शादी करी, हमारी बहन, बहुत बहन है हमारी, हमने शादी करी उनकी, थर्ड बहन की जो हमारी शादी हुई, तब हमें पता लगा कि हम लेदर के लिए भी फेमस है। हम लोग वहाँ पे ये चेक करते हैं कि हमारे जीजा जी गुटका ना खाते हो, बस वहाँ हमारी दीदी की यही बात थी। तो हमने शादी कर दी, चेक वेक करके पंडित जी ने बोला नहीं खाते। एक हफ्ते बाद दीदी का फोन आ गया पापा के पास कि ये तो खाते हैं, ये तो दिन में तीन तीन पुड़िया खा रहे हैं। तो पापा ने कहा अपने फादर इन लॉ से बात करो, उनसे बात करी, पापा ने कहा ये क्या हो रहा, तो हम पे ही चढ़ गए कि कानपुर की फेमस चीज़ है भाई साहब, अगर लड़का दो तीन पुड़िया दिन में खा भी ले रहा तो क्या प्रॉब्लम है, लड़की को एडजस्ट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप भी खाइए, भाभी जी को भी खिलाइए, भाभी जी से कहिए करवा चौथ के व्रत तोड़े खा खा। पापा डर के, पापा ने फोन रख दिया कि इसको क्या समझाए आदमी को। उसके दो हफ्ते बाद उनके फादर इन लॉ का हमारे पापा के पास फोन आ गया कि भाई साहब आपकी बेटी तो मेरे बेटे को लेदर की बेल्टों से मारती है, आप कुछ करते क्यों नहीं है। तो पापा ने कहा कानपुर की फेमस चीज है भाई साहब, मैं तो कहता हूं आप भी खाइए, भाभी जी को भी खिलाइए और बोलिएगा समधी जी ने प्यार भेजा है। बढ़िया दिन चल रहा है। और हम लोग के वहां से ना एक नदी बहती जिसको हम गंगा नदी कहते हैं। गिव मी अ लाउड चीयर इफ यू गाइस वांट कि हमारी नदियां हमेशा क्लीन रहे, राइट? हम लोग चाहते हैं ये चीज, बट वो क्लीन क्यों नहीं है पता है? टॉप पे है पोल्यूशन में गंगा नदी वर्ल्ड में। उसका रीजन पता है आप लोग को? क्योंकि जो उसके आसपास लोग रहते हैं ना उनका अटैच्ड वॉशरूम है वो, हाँ, उसी में सब फेंकते गंदे कपड़े लत्ते, बच्चा हाथ लगा उसमें फेंक दिया। हाँ आप सोचो एक पुजारी के लिए कितना मुश्किल होता है जो सुबह सुबह पूजा करने आया नदी में, ऐसे हरिओम बोल के अंदर गया, ऐसे वापस ऊपर आया तो सामने से एक ब्लाउज बहता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे एक जेंट्स ट्राउजर तैर रही है, पुजारी जी के मुंह से निकल गया मैन विल बी मैन। मेरे बगल में एक औरत खड़ी होके हलवा छोले सिक्के पूड़ी, मैंने आंटी जी क्या कर रही हो ये,
कह रही मैं मछलियों को खाना दे रही हूँ. मैं कह मछलियाँ हैं कंजके थोड़ी हैं, ये लोग ये सब नहीं खाती. कह रही नहीं इधर यूपी साइड की खाती है. मैंने कहा हाँ सही कह रही हो, कानपुर की मछलियाँ हैं, कट्टा भी लगा रखा होगा उनने. हम लोग कितना बुरा कर रहे हैं अपनी नदियों के साथ, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है. मैं जब पहली बार पापा के साथ स्नान करने गया नदी में, भाई साहब वहाँ 25 बाबा बुढ़े नहीं होते जिनकी दाढ़ियाँ इतनी इतनी होती, भाई निचोड़ रहे हैं उसमें ऐसे, नहा नहीं रहे थे, तांडव कर रहे थे नदी में वो लोग ऐसे. मैंने कहा पापा यहाँ नहाना पड़ेगा? कह रहे क्या प्रॉब्लम है, पानी एकदम साफ है. मैंने कहा उस बुढ़े ने नाक से खींच के पान कान से बाहर कर दिया पापा. कह रहे मैं कह रहा हूँ ये पानी एकदम साफ है. मैंने कहा आप कह रहे हो, इसमें हेमा मालिनी नीचे 5 कैंटारो भी लेके बैठी होगी ना. मैं नहीं मानने वाला. कह रहे चुप कर जाओ, ये देखो पानी गर्म हो रहा है, गंगा माँ की शक्तियां देख रहे हो. मैंने गंगा माँ की नहीं, इनमें से किसी बुड्ढे की शक्ति है. पीछे से पंडित जी मुझे बुला रहे हैं, पुत्र इधर आओ. मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे लो गंगा जल ग्रहण करो. मैंने कहा ये नहीं पी सकता पंडित जी. कह रहे मना नहीं करते, इसमें गंगा माँ की शक्तियां हैं. मैंने कहा उसके अलावा इन बुड्ढों का सोडियम पोटेशियम भी, वो कौन डाइजेस्ट करेगा? बहुत गंदा कर रखा हम लोगों ने, ठीक करना पड़ेगा. हमारे घर में ना एक शादी थी सर, तो हम लोग शादी वादी में थे, तो हम लोग ना तब मैं जॉब करता था, तो हमने कुछ अपने फ्रेंड्स भी बुलाए. तो दो लोग अंग्रेज मेरे यूएस से फ्रेंड्स आए, वो आके मुझसे कह रहे हैं हार्श वी वांट टू सी योर गैंजेस. मैंने कहा ये क्या है कानपुर में? कह रही दैट रिवर वी वांट टू टेक बाथ. मैंने कहा ओ गंगा मैया, चलो. हम लोग इकट्ठे नहाने गए, उस दिन वहां किसने गुटखा थूका हुआ था, वो पानी अजीब सा हो रखा. अंग्रेजों को क्या पता, वो तो खुश हो गए, कह रहे हार्श द वॉटर इज रेड इन कलर. मैंने कहा इट्स मैजिक. कह रहे हार्श हु डिड दिस मैजिक? चार लौंडे नदी से निकला. वी वी ऑन दैट नोट गाइस दैट्स माय सेट.